सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। ये मैंने पहले की वीडियो में बताया था और इस वीडियो में मैं एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि आवेदन करने का प्रोसेस क्या है और उस वीडियो में हमने आवेदन किया था और आवेदन करने के 15 दिन की टाइमिंग इसकी होती है। 15 दिन के अंदर अंदर आपका ये जो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन है इसका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। अब दोस्तों, इसको डाउनलोड करने के लिए भी आपको वापस से इस वेबसाइट में लॉगिन करना है, edistrict.uk.gov.in। इस वेबसाइट से हमने अप्लाई किया था। घर बैठे आप ये काम कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी आप अप्लाई कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन आईडी हमने पहले इसमें बना रखी है, तो लॉगिन आईडी बनाने के बाद ही हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी इसमें लॉगिन कर लेंगे। तो दोस्तों, लॉगिन करने के बाद इस वेबसाइट पर आप यहाँ पहुँच जाएंगे और यहाँ आपने ये होम पेज है इस वेबसाइट का, तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र प्रिंट करें, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ये पेज खुल जाएगा। यहाँ आपने सेवा का प्रकार चुने पे क्लिक करना है और ये इस तरह से लिस्ट आएगी। यहाँ आपने रोज़गार पंजीकरण पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपने सेवा का नाम चुने पे क्लिक करना है, रोज़गार पंजीकरण यहाँ सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं आवेदन संख्या और साइन स्टेटस, दो ऑप्शन यहाँ मिलते हैं। तो विद डिजिटल सिग्नेचर पर आपने क्लिक करना है। ये ध्यान रखना है आपको कि आप ज़रूर विद डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करें और इसके बाद आपको आवेदन संख्या यहाँ सेलेक्ट करनी है। तो आपका आपने जितने भी जो सर्टिफिकेट यहाँ रोज़गार पंजीकरण के लिए अप्लाई किए होंगे उनमें से जो जो बन चुके होंगे उनका इस तरह से यहाँ जो अप्रूवल नंबर है वो आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एक अप्रूवल नंबर आ रखा है। अगर आपका यहाँ अप्रूवल नंबर नहीं दिखा रहा है तो आपने साइन स्टेटस में देखना है, रिजेक्टेड में। रिजेक्टेड में अगर आपका यहाँ आवेदन संख्या दिखाता है तो इसका मतलब रिजेक्ट हो रखा है। उसको आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें स्टेटस दिखाएगा क्यों डाउनलोड, क्यों वो रिजेक्ट हुआ। तो हम इसे विद डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और इसे जो आवेदन संख्या है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रखना है दोस्तों आपको, ये एक ही बार में आप डाउनलोड कर लें। अगर आप एक बार में इसे डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो ये यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन, ये जो आवेदन संख्या है ये हट जाएगी और आप इसे दोबारा डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसके लिए फिर से दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है एक ही बार में आप इसे डाउनलोड कर पाएँ। अब यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं हमने आवेदन संख्या सेलेक्ट कर ली है, ये आवेदन संख्या जो यहाँ दिखा रही है। अब आपको क्या करना है, प्रमाण पत्र प्रिंट करें पे क्लिक कर देना है इस तरह से। अब इसे आप सेव कर लेंगे तो ये देख सकते हैं आप पीडीएफ हमारी ये डाउनलोड हो चुकी है और इस पीडीएफ को हमने ओपन किया है। तो आप ये देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट कार्ड X10, इसका जो एक नंबर होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड का, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं रोज़गार कार्यालय का नाम और साथ ही हमारी पूरी डिटेल, पंजीकरण संख्या, डेट ऑफ बर्थ, नवीनीकरण की अवधि और आवेदक का नाम, माता पिता, लिंग वगैरह और साथ में आवेदन संख्या, जारी करने का दिनांक, पिता का नाम और जाति वगैरह यहाँ आ चुकी हैं। नीचे इसमें NOC डिटेल और जो हमारी जो ऑक्यूपेशन डिटेल है और 10th 12th का जो इसमें सर्टिफिकेट हमने लगाया है उसकी डिटेल है। नीचे डोमिसाइल की डिटेल है, डोमिसाइल नंबर, डोमिसाइल डेट वगैरह और इशू तहसील का नाम है। इसमें आप नीचे देखेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर लैंसडाउन के इसमें डिजिटल सिग्नेचर हैं, इसलिए इसमें कोई भी सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती है। और साथ ही साथ इसमें आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है यह प्रमाण पत्र डिजिटली हस्ताक्षरित है एवं विधि मान्य है, यानी कि ये बिल्कुल ये कहीं भी आप इसे यूज कर सकते हैं, ये जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो हमें मिलता है। और इसी के साथ इसमें लिखा हुआ है इस प्रमाण पत्र को आवेदन संख्या का उपयोग कर edistrict.uk.gov.in से सत्यापित किया जा सकता है, यानी कि अगर हम कहीं ये डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो इसको जो हम इसमें आवेदन संख्या है उसके माध्यम से इसे वेरीफाई किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं एक बार और कि प्रमाण पत्र जब हम प्रिंट कर लेते हैं तो वापस से हम होम पेज पर आ जाते हैं। तो अगर हम दोबारा यहाँ देखें कि दोबारा हम डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं, तो सेम चीज़ें हम दोबारा से अप्लाई कर देंगे, रोज़गार पंजीकरण, सेवा का नाम, सेवा का प्रकार में। अब यहाँ हम देखते हैं एक एक करके, इसमें देख सकते हैं आप विद डिजिटल सिग्नेचर में अप्रूवल नंबर,
कोई नहीं आ रहा है, यानी कि एक बार हमने डाउनलोड कर लिया है, यहाँ भी आप देख सकते हैं किसी में भी नहीं आ रहा है। रिजेक्टेड में भी देख सकते हैं तो रिजेक्टेड में भी नहीं आ रहा है, यानी कि आपको एक ही मौका मिलता है इसे प्रिंट करने का। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से आपने ये डाउनलोड कर लेना है। और ये इम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दोस्तों इस तरह से आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं जैसे हमने आपको इस वीडियो में बताया है। और अगर इम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अप्लाई से रिलेटेड, डाउनलोड से रिलेटेड या इम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, कुछ भी आपको पूछना है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपका आपके लिए हम अप्लाई भी कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर लेना है तो हम वहाँ से आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से जो आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जैसे हमने आपको प्रोसेस बताया है। और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।